Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. In our previous lecture, we have completed chapter number 7. Now we are going to start chapter number 8, which is energy and its forms. In this chapter, we will learn about concept of energy and different forms of energy. Firstly, we need to know that what is energy. Energy is actually the ability of body to do some work. For example, moving car, running bicycle, and we also have energy in our body which helps us to grow and to perform different activities in our daily life. There are two categories of energy. The first one is potential energy and the second one is kinetic energy. Now we will discuss about these categories of energy one by one. The first category of energy is potential energy. And the potential energy is the energy which is stored in an object due to its position. For example, when we stretch a rubber band or lift a stone to some height, then energy is stored in these objects and this stored energy is called potential energy. This energy is denoted by capital P dot capital E. Let us discuss about examples of objects that store potential energy. For example, a brick on the ground cannot do any work, but when we raise the same brick, energy is stored in it and the brick can do work due to this stored potential energy. Similarly, energy is stored in the wound spring of a toy car, and due to this stored energy, toy car can move. When we put a stone in the sling of a catapult and stretch its rubber, potential energy stores in it. And this stored amount of energy throw away the stone. Similarly, the hands of mechanical watch move due to the stored potential energy in its spring. Okay students, सबसे पहले हम देखते हैं कि energy क्या है. Energy दरअसल किसी भी body के काम करने की सलाहियत है. यानी अगर कोई object work कर सकता है तो हम कहते हैं कि इस object के अंदर energy store है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कार मूव करती है तो कार के अंदर एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो मूव कर सकती है. और इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है और इस एनर्जी की वजह से हम ग्रो करते हैं और अपनी जो डेली लाइफ में एक्टिविटीज़ होती हैं वो परफॉर्म करते हैं. एनर्जी की दो टाइप्स हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे. पोटेंशियल एनर्जी दरअसल वो एनर्जी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से स्टोर होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक रबर बैंड है. अगर हम रबर बैंड को खींचें तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है जिसकी वजह से उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है. बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई स्टोन है हमारे पास और उस स्टोन को हम हाइट पर लेके जाएँ तो स्टोन की भी पोजीशन चेंज हो जाएगी और उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी. और ये जो एनर्जी स्टोर हुई है पोजीशन चेंज होने की वजह से, इसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल पी डॉट कैपिटल ई से जाहिर किया जाता है. अब हम पोटेंशियल एनर्जी के कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ज़मीन पे कोई ईंट वगैरह पड़ी है तो वो काम नहीं कर सकती, लेकिन जब हम ईंट को हाइट पर लेके जाते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है जो कि पोटेंशियल एनर्जी है. अब हम एक और एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करते हैं. टॉय कार्स होती हैं, टॉय कार्स के अंदर हम देखते हैं कि वाउंडेड स्प्रिंग्स होते हैं. उन स्प्रिंग्स में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होती है जिसकी वजह से टॉय कार जो है वो मूव कर सकती है. अभी हमने रबर बैंड के एग्जांपल को डिस्कस किया था. इस तरह से अगर हमारे पास कैटापल्ट हो और कैटापल्ट का जो रबर है, अगर हम उसके अंदर कोई पत्थर वगैरह रख कर उसको खींचें तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी. तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये उस पत्थर को बहुत दूर तक फेंकने के काम आएगी. हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ मैकेनिकल वॉचेस होती हैं उनकी सुइयां मूव कर रही होती हैं. तो ये जो सुइयां हैं ये किस वजह से मूव करती हैं, क्योंकि इन वॉचेस के अंदर भी स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होती है और इस स्टोर एनर्जी की वजह से घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो मूव कर सकती हैं. हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एनर्जी. एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी दैट इज़ स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन. Then we have discussed about different examples of potential energy. उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स इस टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करेंगे. जो हमारे पास पहला सवाल है कि एनर्जी की तारीफ करें,
एनर्जी काम करने की सलाहियत है। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है, पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ करें। किसी जिस्म में इसकी पोजीशन की तब्दीली से स्टोर होने वाली एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। इसके बाद हमने एनर्जी की मुख्तलिफ एग्जांपल्स को डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेसन आपका यहीं तक है। इस टॉपिक को आप लोगों ने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।